झारखंड में भी एनडीए में फूट जो है वो पड़ती दिख रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको झारखंड से बता रहे। तो झारखंड में वोटिंग से पहले बीजेपी से अलग हो सकती है आजसू। तो तीन सीटों पर आजसू और बीजेपी आमने सामने हैं। लोहरदगा, चक्रधरपुर, चंदन क्यारी विधानसभा सीट को लेकर ये खींचतान आजसू और बीजेपी के बीच चल रही है। तो लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव भगत आज नामांकन करेंगे। आजसू ने लोहरदगा से नीरू शांति भगत को उतारा है मैदान में। तो पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और 30 नवंबर को 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन उन चुनाव से पहले अलग थलग जो है आजसू और बीजेपी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी कहीं ना कहीं इसी तरह का हाल एनडीए का होता दिख रहा है। तो झारखंड में वोटिंग से पहले बीजेपी से अलग होती हुई आजसू, तीन सीटों पर आजसू और बीजेपी आमने सामने हैं। और ये वो तीन सीटें लोहरदगा, चक्रधरपुर, चंदन क्यारी, ये विधानसभा सीटों पर पेच बसा हुआ है। और लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव भगत सिंह आज अपना नामांकन भरेंगे। तो आजसू ने लोहरदगा से नीरू शांति भगत को मैदान में उतारा है। आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और 30 नवंबर को 13 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की जो वोटिंग है वो होगी। तो पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन और आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लोहरदगा से अपना नामांकन यहां पर भरेंगे। तो झारखंड में वोटिंग से पहले बीजेपी आजसू से अलग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से महाराष्ट्र में समीकरण बन रहे हैं और सस्पेंस जिस तरह से चला हुआ है, अब यही हाल झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और एनडीए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती यहां पर दिखाई दे रही है। तो बीजेपी आजसू तीन सीटों पर आमने सामने है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में 30 नवंबर को 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले अब आजसू और बीजेपी तीन सीटों को लेकर आमने सामने हो गए हैं। तो झारखंड में वोटिंग से पहले बीजेपी से आजसू अलग हो सकती है, ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि तीन सीटों को लेकर जिस तरह से शुरू से ही पेच बसा हुआ था, अब आमने सामने आजसू और बीजेपी है। तो लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव भगत आज नामांकन करेंगे। तो वहीं आजसू ने लोहरदगा से नीरू शांति भगत को मैदान में उतारा है। तो ये वो तीन सीटें हैं जिन पर आजसू और बीजेपी के बीच खींचतान जो है वो शुरू से चल रही थी और अब तक भी वो बात नहीं बन पाई है। और आज पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी और आजसू के बीच ये खींचतान, ये फूट उभर कर सामने आ रही है। तीन सीटों पर बीजेपी और आजसू आमने सामने हो गए हैं।